राजभवन और प्रदेश के महामहिम राज्यपाल लालजी टंडन को गृह मंत्री अमित शाह के नाम से फर्जी फोन करवाने वाले डेंटिस्ट डॉक्टर चंद्रेश शुक्ला का ये पहला फर्जीवाड़ा नहीं है। यदि इसकी बारीकी से जांच की जाए तो व्यापम घोटाले से भी बड़ा घोटाला उजागर हो सकता है, यह आरोप श्री अजय चौरड़िया ने लगाया है। शनिवार को इंदौर प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए अजय चौरड़िया ने बताया कि फर्जी कॉल कराने वाला चंद्रेश शुक्ला तो गिरफ्त में है, लेकिन विक्रम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर एसएस पांडे जो बड़े भागीदार है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जबकि डॉक्टर पांडे के खिलाफ भी काफी शिकायतें लंबित है। लेकर उन्होंने देश के गृह मंत्री के नाम से एक फर्जी कॉल मध्य प्रदेश के गवर्नर को करवाया जो यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति भी है, और उन्हें बताया कि चंद्रेश को कुलपति बनने के लिए अप्लाई किया और इसे कुलपति बनाया जाए। जब राजभवन ने इस बात को संज्ञान में लिया, जांच हुई, तब क्या हुआ ये सब आप लोगों को पता है। उस मामले में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि उन लोगों की कल गिरफ्तारी भी हो गई और देश की एक विंग कमांडर कुलदीप वाघेला है और एक डॉक्टर चंद्रेश शुक्ला है, और चंद्रेश शुक्ला का नाम इस कुलपति चयन समिति के मेंबर उज्जैन के दागी या आप कहें कि धारा 52 में हटाए हुए प्रोफेसर एसएस पांडे का नाम है, जिनके ऊपर 70 लाख रुपए की किताबें खरीदने का आरोप है। हाई कोर्ट के आदेश पर उसकी जांच हुई है, उनके ऊपर एक दिन के अंदर कमेटी बनाकर विषय से हटकर कमेटी बनाकर सेक्शन 28 में 211 में से एक 209 में से 121 व्यक्तियों का एक दिन में चयन करने का आरोप है। राजभवन ने 12(4) में नोटिस देकर उनसे पूछा कि आप 8 तारीख तक बतलाएं कि क्यों नहीं आपको पद से बर्खास्त कर दिया जाए। जब उनसे पूछा गया कि क्या कोई राजनीतिक संरक्षण है पूर्व कुलपति एसएस पांडे को, तो उन्होंने कहा कि वे हमेशा ही राजनीतिक संबंधों की बात कहा करते थे, संभव है कि इस मामले में कोई राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है।